नमस्कार, मैं इमरान हिंदुस्तानी और आप देख रहे हैं बिजनौर एक्सप्रेस। बीते 7 जून को बिजनौर जिला कृषि औद्योगिक व सांस्कृतिक प्रदर्शनी के आयोजन में नीलामी की प्रक्रिया हुई थी। आखिरी बोली असलम ठेकेदार ने नाम 2,64,00,000 में छूट गई थी और यह बोली की प्रक्रिया नगर पालिका के एजाज अली हॉल में आयोजित हुई थी। नीलामी में कई ठेकेदारों ने हिस्सा लिया था। ठेकेदारों के साथ उनके समर्थक में पालिका सभासद भी शामिल थे। नीलामी के दौरान बिजनौर सदर तहसीलदार एवं पालिका अध्यक्ष और चेयरपर्सन पति के सामने बोली लगाई गई थी। आखिरी बोली दिल्ली निवासी असलम ठेकेदार के नाम 2,64,00,000 रुपए में छूट गई थी। पिछले 2 सालों से कोरोना वैश्विक महामारी के चलते जिला कृषि औद्योगिक व सांस्कृतिक प्रदर्शनी को लगाने की अनुमति नहीं मिली थी, जिसके बाद प्रदर्शनी पर छाए हुए बादलों को हटने की उम्मीद जगी थी। लेकिन बीती रात बिना परमिशन और विदाउट नोमस के चलते चालू प्रदर्शनी को पुलिस द्वारा बंद करवाया गया। इस दौरान शहर क्षेत्र की पुलिस मौके पर तैनात रही। बिना परमिशन चल रही नुमाइश में सामान बेचने व कई आयोजन को दिखाने वालों को सख्त हिदायत दी गई। अब फिर से एक बार प्रदर्शनी पर तलवार लटकी हुई है। देखिए बिजनौर से हमारे संवाददाता तुषार वर्मा की रिपोर्ट। बिजनौर की सभी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।